हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज़ योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि जिंदगी में बच्चा भी मेरा पहली दफ़ा ही हो रहा है। तो बेसिकली सीन ये है कि आई नेवर थॉट आई वुड एंड अप डूइंग अ वीडियो लाइक दिस। ये नहीं कि मैंने ये सोचा ना हो कि मैं बाप नहीं बनूंगा आगे जाके, वो तो पता ही था, लेकिन ऐसे एज इन लाइक कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, ये जेंडर रिवील टाइप और इस तरह की चीज़ें। इट्स अबाउट मेकिंग कोर मेमरीज। कोर मेमरीज लोग तो दुनिया अपने लिए रखती है, लेकिन खैर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। काइंड ऑफ मेक्स मी स्केयर्ड टू इन अ लिटिल बिट के लोग कहते हैं कि यार दुनिया के साथ ये चीज नहीं शेयर करनी चाहिए, और बच्चा और है तो आप वो भी शेयर कर रहे हो, हर चीज आप दिखा रहे हो दुनिया में। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पे काफी ज्यादा सोचा, फिर मैंने कहा यार आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोना बी इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोना बी इन दिस वर्ल्ड। सो अगर कोई चीज है जो मुझे दिल से खुशी देती है, तो मैंने सोचा उस खुशी को भी आपके साथ शेयर करूं। यू नो, खुशियां बांटनी चाहिए। खैर बेबी अभी हुआ नहीं है ऑब्वियसली, बट इट्स सून गोना हैपन। लेकिन ये वीडियो मैंने कहा कि हमने अपने रिसेंटली रिकॉर्ड की थी वीडियो जेंडर रिवील पे, और ये वीडियो बड़े अजीब तरीके से स्टार्ट होती है। जेंडर रिवील करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है। मैं दोनों भी जेंडर है वैसे, लेकिन हम दो पे ही रहते हैं। अबे तो बॉम्ब तीन चल रही। ओ हमें पता ही नहीं जेंडर के, पहले चला रही है। ये चलाओ जल्दी से बेगम। हेलो हमें काफ़ी देर पहले पता चल गया था, आई थिंक अराउंड जनवरी और समथिंग। तो उस वक्त भी हमने छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी, और ये जेन्युइन वाली वीडियो बेसिकली। यू आर हैविंग अ बॉय। बॉय। मेरे तो आंसू निकल पड़े हुए खुशी के, मैं देख ली। मार के दाल। केक काट रहे हैं। अच्छा तुम कर सकते हो। जो लोग मुझे काफी देर से देख रहे हैं, यू नो इट्स बीन अ राइड, हेल ऑफ अ राइड। इट्स सो फनी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ सिटिंग लाइक दिस फ्रॉम अ फर्स्ट व्लॉग, कॉलेज के डॉर्म वाले व्लॉग से। सुबह सुबह उठता था, क्लासेस में जाता था, फिर कॉलेज से मेरी जर्नी हुई डैलस की तरफ जब मेरी जॉब लगी वगैरह वगैरह, फिर आई मेड व्लॉग्स इन बिटवीन, फिर फिजा आई लाइफ में, उसके साथ शादी हुई, अब ये वाला फेज, यू नो। तो द फेजेस कीप इंक्रीजिंग, यू नो, फ्रॉम अ कॉलेज क्रेड टू ग्रेजुएट टू अ मैरिड मैन एंड नाउ सून टू बी अ फादर। सो इट्स फनी जस्ट हाउ फास्ट लाइफ चेंजेस, और कितनी तेज ये जिंदगी गुजर रही है। जब मेरा बच्चा ये देखेगा तो वो भी बड़ा हंसेगा देख के, यार मेरे अब्बू कितने क्रिंज थे, क्या हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार इस टाइम पे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये इस टाइम के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। यू नो हाउ जब आप अपने पेरेंट्स की जवानी की चीजें देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो उस वक्त आप देखते हो तो यार ये क्या कर रहे हैं। बट द थिंग इज वो अपने जमाने के हिसाब से जी रहे थे, मैं अपने जमाने के हिसाब से चीजें कर रहा हूँ। वेरी एक्साइटेड मैन, और टेंशन ना लो, इस तरह के व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा कि मेरे बेटे ने दीवार पे चढ़ना सीख लिया। आई विल कीप मेकिंग द सेम कंटेंट जिस तरह मैं बना रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट अ न्यू फैमिली मेंबर विल बी एडेड इंशाल्लाह। वो वाला सीन नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। मूसा खाना के व्लॉग्स आते रहेंगे, और उसी तरह चिल वाइब में, बल्कि बेहतर से बेहतर होते जाएंगे होपफुली। आई कीप एंटरटेनिंग यू गाइस, कीप गिविंग यू डीप नॉलेज, वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट थिंग्स एज आई गो थ्रू लाइफ विद यू गाइस। तो एनीवेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे, बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, बॉयज एंड गर्ल्स, अपडेट ये है कि बेबी एक्चुअली आ गया है इस दुनिया में, और इट हैपेंड 5 days ago। और सीन ये है कि मैंने घर भी बदल लिया, जगह भी बदल ली, और कहाँ पे गया हूँ अपना घर छोड़ के, वो भी व्लॉग में इंशाल्लाह लगाऊंगा। लेकिन अगला जो व्लॉग होगा वो ये होगा कि हाउ मी एंड फिजा वी वेंट टू द हॉस्पिटल व्हेन इट वाज टाइम, और वो सारा मोमेंट हमने रिकॉर्ड किया जब हमारा यू नो बेबी बॉय आया इस दुनिया में, और फिर उसके बाद रिएक्शंस वगैरह उस वीडियो के अंदर हैं हम लोगों के, मामू के वगैरह, फैमिली के। तो वो वाला जो इमोशनल सा व्लॉग है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वाला होगा, और उसके बाद फिर मूविंग वाला, जो अपार्टमेंट मूव कर रहे हैं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो भी होगा। सो देयर्स बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, इसलिए मैं यूट्यूब पे ना आजकल फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा था, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मैं लगा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा ईजी होता है। यूट्यूब पे पूरी वीडियो बैठ के करनी होती है, मुझे तो घर में बैठने का मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट जब से हमारा बेबी पैदा हुआ, हम 5-6 रात
तो सो ही नहीं थे, जो पेरेंट्स होंगे उनको पता है हाउ इट इज। तो फाइनली बैठ के मैं जल्दी से व्लॉग एडिट किया और अब मैं आगे वाले इंशाल्लाह लगाऊंगा। सो योर बॉय इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे एंड विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह।